और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब हाल चाल तो तुम लोग के बढ़िया होंगे, तुम्हारे भाई के भी बढ़िया हैं। क्यों, कोई शक है क्या? वेल जो भी हो, जिन गेम्स को हम खेल रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब पबजी मोबाइल को भी देखो, या फिर मतलब BGMI जिसे हम लोग कहते हैं वो भी देखो, तो वो गेम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इधर। अब ये बात मैं नंबर्स के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज नए प्लेयर्स कितने ऐड हो रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ये बात मैं मतलब BGMI के ई स्पोर्ट्स को देख के बात कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी अच्छे से, मतलब जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गेम बोरिंग होने लगा है, वहाँ पर इसी गेम का ई स्पोर्ट्स उसी तरीके से डटा हुआ है जैसे कि क्या ही बताऊँ, कोई खंबा गाड़ दिया हो किसी ने। ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी गेम के लिए, क्योंकि जो आपके कैजुअल गेमर्स होते हैं ना, वो आया करते हैं, जाया करते हैं, जब भी कोई नया अपडेट आता है गेम को फिर से डाउनलोड करते हैं, कुछ दिन बाद इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आपकी जो मेन कोर कम्युनिटी होती है ना, जो कि आपके ई स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है और गेम को लगातार आगे की तरफ पुश करा करती है, चाहे एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनके या फिर उन्हीं प्लेयर्स को चेयर करने वाली ऑडियंस के रूप में। और BGMI इस मामले में काफ़ी स्टेबल दिख रहा है फिलहाल, मतलब जिस हिसाब से हालात मेरे को लग रहे थे अभी भी काफ़ी अच्छे से टिका हुआ है BGMI। और अगर हम अपनी नई नवेली दुल्हन यानी कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल की बात करें, तो वाकई में ये गेम भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस गेम की हाइप कम हो गई, क्योंकि जिस दिन गेम रिलीज हुआ था भाई उस दिन ढेर सारे व्यूज़ आ रहे थे सबके, लेकिन अब सबके व्यूज़ गिर रहे हैं। तो भैया ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि वो हाइप थी, तब गेम आया था, सबने पहले दिन इंस्टॉल करा, जैसे अपडेट आते ही सबके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, वैसे गेम आने पर भी व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, धीरे 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 व्यूज़ सेटल होते हैं। मतलब एक एक झटके में ग्राफ जो है ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, और फिर धीरे 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 वो ओवर टाइम ऊपर की तरफ आता रहता है, जैसे जैसे गेम में नए नए अपडेट्स और नए नए कंटेंट्स आते रहते हैं, नए नए प्लेयर्स भी जुड़ते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गेम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे एपेक्स हो, चाहे पबजी मोबाइल को, या BGMI खेलो जो कहना हो। रही बात फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो वो तो जैसा परफॉर्म कर रहे थे वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम और ऐड होने वाला है, तुमको पता है लोंडो, और ये नाम है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना, ऑलमोस्ट तुम में से हर बंदा इस गेम को जानता है, खेला भले ही ना हो लेकिन स्ट्रीम ज़रूर देखी होगी कभी ना कभी, और इस गेम का नाम है वैलोरेंट। किस किसने GTA 5 समझा था भाई? GTA 5 नहीं आ रहा फोन पे। बात करने वाले आज हम लोग वैलोरेंट मोबाइल की। तो देखो यार, वैलोरेंट मोबाइल की काफ़ी अच्छी हाइप है, मतलब काफ़ी पॉजिटिवली लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये गेम जब PC पे था ना तो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, खास करके जब PUBG बैन हुआ था इंडिया में, सारे क्रिएटर्स वैलोरेंट ही खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो बंदे जिनके पास PC भी नहीं है उन्होंने भी वैलोरेंट देखा, उनको ये गेम अच्छा लगा क्योंकि इस गेम में कुछ एबिलिटीज़ हैं, और भाई एबिलिटीज़ तो अच्छी ही लगती हैं हर गेम में। तो जैसा कि माइनक्राफ्ट के साथ है, माइनक्राफ्ट फेमस हुआ PC गेमर्स की वजह से, लेकिन फिर उसका पॉकेट एडिशन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो अब मोबाइल गेमर्स जो है ना वो माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन खेलते हैं। तो ऐसे में कोई भी गेम जब PC पे फेमस होता है और फिर वो मोबाइल पे आता है ना, तो काफ़ी बड़ा ऑडियंस जनरेट करता है, और यही चीज़ आई थिंक वैलोरेंट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाली है, क्योंकि वो PC पे काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, और इंडिया से तो आई थिंक इंडिया का इकलौता मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव गेम है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है PC पे, वो वैलोरेंट है। तो मोबाइल पे भी डेफिनेटली ये तबाही मचा के रख देने वाला है, और मैं तो भाई इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इस गेम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो आई थिंक मेरे को लगा कि आपको शेयर कर लेना चाहिए अगर आप वैलोरेंट का वेट कर रहे हो। तो देखो भाई, कुछ ऑफिशियल सोर्सेस से पता चला है कि इस गेम का जो बीटा है वो इस साल के मिड में शुरू होगा, तो मतलब साल का मिड तो ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है, तो गेम का समझ लो कि बीटा आपको नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये बीटा क्योंकि अर्ली बीटा रहेगा, इससे पहले तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड क्लोज बीटा हुआ था चाइना में, जिसका आप गेम प्ले ज़रूर देख सकते हो, अगर आप ज़रा सा भी यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना वैलोरेंट मोबाइल गेम प्ले तो आपको मिल जाएगा, और मोबाइल पे काफ़ी अच्छा दिख रहा था ये गेम, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो मैं तो भाई सुपर एक्साइटेड हूँ, जब भी इस गेम का बीटा आता है मैं तो खेलने की पूरी कोशिश करूँगा। अब क्योंकि राइट की तरफ से स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारी जो सेकंड एनिवर्सरी होगी वैलोरेंट की, तब तक हमारा जो वैलोरेंट मोबाइल का डेवलपमेंट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो सबसे बीटा आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बीटा होने वाला है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं एपेक्स लेजेंड मोबाइल का। एपेक्स लेजेंड मोबाइल का जो बीटा इंडिया में रिलीज हुआ था ना, वो देखने में काफ़ी अच्छा था, इस खेलने में भी ठीक ही ठाक था, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट गेम था, बहुत ही इनकम्प्लीट गेम था। लेकिन जैसे जैसे उसके भाई और बीटा आते गए अलग अलग रीजन्स में, फिर जब सॉफ्ट लॉन्च आया, अब जब ग्लोबल लॉन्च आया, भाई पूरा गेम चेंज है यार। और मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस गेम ने अपना बीटा जर्नी में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है, इसके जब
आगे अपडेट्स आएंगे भाई, ये गेम कितना ज्यादा इंप्रूव होने वाला है मैं बता नहीं सकता। मेरा एपिक लेजेंड मोबाइल से तो बहुत ज्यादा ऊपर है, और यही होप सेम मेरा वैलोरेंट मोबाइल के लिए है, क्योंकि जो कंपनी इस गेम को ओन करेगी राइट भाई, वो बहुत ही बूढ़ी रूह है भाई, उनको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि गेम को कैसे डेवलप करते हैं, चाहे पीसी पे हो चाहे मोबाइल पे। मोबाइल पे तो ऑलरेडी उनका एक बहुत ही शानदार खतरनाक मजेदार गेम वाइल्ड रिफ्ट तो धूम मचा ही रहा है। अब वाइल्ड रिफ्ट भले ही जितना भी अच्छा हो, इसका नाम लेते ही मेरे अंदर पता नहीं क्यों डर सा बैठ जाता है, और उसका रीजन ये है कि रायट पहली बार अपने किसी पीसी गेम का मोबाइल वर्जन लॉन्च नहीं करने वाला है, क्योंकि वाइल्ड रिफ्ट जो है वो उनके पीसी गेम लीग ऑफ लेजेंड का ही मोबाइल वर्जन था। और वाइल्ड रिफ्ट के साथ हुआ ये कि आज तक ये गेम इंडिया में रिलीज नहीं हो पाया है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ मतलब एकदम एग्जैक्ट बात सामने नहीं आई है कि इंडिया में ये गेम अभी तक क्यों रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये गेम गेम ऑफ द ईयर भी रह चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको जो है रिलीज हुए, प्ले स्टोर पर कब से ये प्री रजिस्ट्रेशन में पड़ा है इंडिया में, बट ये गेम किसी तरीके से इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रहा है। अब मेरी जो थ्योरी है इसके पीछे वो ये है कि जो राइट कंपनी है ना उसे टेंसेंट ओन करती है, वो भी पूरा के पूरा 100%, और टेंसेंट कहाँ की कंपनी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद इसी वजह से वाइल्ड रिफ्ट इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। अब वैलोरेंट किसका गेम है? रायट का। रायट को कौन ऑन करता है? टेंसेंट। तो यानी कि वैलोरेंट मोबाइल के आने के भी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को इंडिया में। तो अब यहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हो कि अगर वैलोरेंट मोबाइल और आपका वाइल्ड रिफ्ट इस वजह से रिलीज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये गेम रायट के हैं और रायट टेंसेंट का, तो इनके जो पीसी वर्जन हैं यानी कि वैलोरेंट और लीग ऑफ लेजेंड वो कैसे इंडिया में चल रहे हैं? तो भाई इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, प्रॉब्ली किसी ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान से आप पूछोगे तो आपको बता देगा, लेकिन जो भी हो मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि वैलोरेंट मोबाइल इंडिया में आ जाए, क्योंकि भाई वैलोरेंट एक ऐसा गेम है जिसने इंडिया में पीसी कॉम्पिटिटिव गेम्स की जो आग है ना उसको भड़का के रख दिया है। मतलब अब इंडिया में आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कॉम्पिटिटिव गेम्स देखने को मिलती हैं पीसी में, जैसा काम पबजी मोबाइल ने करा था ना मोबाइल के लिए, मतलब एकदम से आग लगा के रख दी थी, हमको ई स्पोर्ट्स के बारे में इतना कुछ जानने को मिला, वरना कौन ही जानता था कि ई स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ें होती है। फिर वही काम पीसी के लिए वैलोरेंट ने करा, और इस काम में वैलोरेंट की हेल्प करी पबजी मोबाइल या फिर बीजीएमआई में। अब काफ़ी सारे लोग नहीं मानेंगे ये बात, लेकिन जो एक्सपोजर ई स्पोर्ट्स को मिला है ना वो पबजी मोबाइल या फिर बीजीएमआई की वजह से है इंडिया में। वेल चलो ये कोई और डिबेट या फिर डिस्कशन का टॉपिक है, बात करते हैं हम लोग गेम प्ले की। गेम प्ले की क्या ही बात करूँ, गेम प्ले तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इस नीले वाले घर की छत पे बंदे हैं जिन्होंने पहले तो कोई फायर नहीं करा, लेकिन जब गाड़ी घूमी तो फायर हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, पीठ पीछे फायर करोगे तो छोड़े तो जाओगे नहीं, अब इनको घुस के मारेंगे, लेकिन उससे पहले हेल्थ लगाना तो जरूरी है भाई, तो पहले हेल्थ लगाओ फिर घुस के मारो, दबनेगा नहीं है किसी से। तो नॉक है लेकिन इनका टीममेट ऊपर छत पे है और पीक देने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यार दोस्ती पीक करवा ही देगी। तो इन दोनों को तो काम खत्म हो चुका था, सिर्फ एक ही बच रहा है बंदा यहाँ पर, तो भैया उसको ढूंढने के लिए तो बग्गी अब उठानी पड़ेगी, लेकिन किसको पता था कि कुछ ऐसा होगा। बस जो भी हो कहते ही चिकन डिनर।